अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो जी, इस वीडियो में मैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने जा रहा हूँ रियलमी सी अलेवन एंड सैमसंग गैलेक्सी A30s। तो इधर मैंने इसको इस पे स्किन अप्लाई करवाई है, तो जो इसको काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड करती है, तो आप भी जाके करवा सकते हैं। एनीवेज, तो इधर हम स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोथ स्मार्टफोन्स। तो इधर भैया मुकाबला है 2GB रैम वर्सेस 4GB रैम। तो इधर जो मेन डिफरेंस आता है स्पीड में आके, वो ज़्यादातर प्रोसेसर होता है यानी कि चिपसेट का होता है। तो इधर आपने इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तो देख ही ली है। तो सबसे पहले इधर हम जो बेसिक स्टफ है उससे स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि इधर बूट अप से स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इधर मैं इन दोनों को रीस्टार्ट करूँगा यानी कि रीबूट करूँगा। तो इधर भैया देखते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन जो है अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। सो हियर वी गो। तो इधर देखते हैं भैया 4GB रैम वर्सेस 2GB रैम। तो आपको इधर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कौन सा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। अगर आपका बजट लोअर है, आप अच्छी स्पीड चाहते हैं, अच्छी गेमिंग स्पीड चाहते हैं, तो आप कौन सा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। ओ, दिस इज जस्ट क्रेजी यार, इधर रियलमी C11 जल्दी बूट अप हो गया। दिस इज टू गुड। और मैं तो इधर एक्सपेक्ट कर रहा था कि सैमसंग A30s इसको नीचा दिखाएगा रियलमी C11 को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इधर भैया सैमसंग गैलेक्सी A30s जो है हार मान के पहले ही पीछे बैठ गया है। एनीवेज, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, तो इधर स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जी, इधर दोनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल रहा है। तो इधर हम बेसिक स्टफ से स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो बेसिक एप्लीकेशन है उनसे स्टार्ट करते हैं। तो इधर फोन डायलर से स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोन डायलर एंड A30s, वेरी गुड। कैमरा A30s, तो इधर तो भैया होना ही था इस तरह। क्लॉक A30s, सेटिंग एंड A30s, कैलकुलेटर एंड रियलमी C11, प्ले स्टोर। और यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इन दोनों का स्पीड टेस्ट करने में, काफ़ी मज़े का स्पीड टेस्ट हो गया। एनीवेज, इधर A30s, गूगल डू एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। तो इधर रियलमी C11, दिस इज नाइस। यूट्यूब एंड इधर लेट सी, ओ C11 इज लिटल बिट फास्टर देन A30s। एनीवेज, तो इसके बाद चलते हैं इंस्टाग्राम। सो लेट्स, ओ A30s काफ़ी फास्ट है यार। तो इधर 4GB रैम है, तो इधर भैया 2GB रैम है, इतना तो फर्क। तो इधर अब स्मूथनेस देख लेते हैं। तो इधर आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाते हैं रियलमी C11 में। A30s काफ़ी स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू रियलमी C11। इधर रियलमी ग्लोबल, रियलमी आर यू वॉचिंग दिस। एनीवेज, तो इसके बाद साउंड क्लाउड, इधर आई थिंक इधर एक्टिव है साउंड क्लाउड, तो नहीं, ओ A30s, नाइस। जैज, और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जैज इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, यानी कि इधर से आप काफ़ी अच्छे वॉलपेपर, रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर A30s फास्टर एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। स्नैपचैट एंड A30s, कम ऑन। पिंट्रेस्ट, आई थिंक पिंट्रेस्ट। तो इधर भैया आई थिंक बोथ आर सेम। नाउ लेट्स मूव थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक सबवे सर्फर, हियर वी गो। सो आप इधर देखते हैं कि भैया कौन सा स्मार्टफोन आपको अच्छी गेमिंग स्पीड बूट अप जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। तो इधर ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी A30s विल बी विनर। यस, गेम ऑन, यस। तो इधर आप स्पीड देख लेते हैं। इधर आपको रियलमी C11 में थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से बिल्कुल।
हाँ यस एनीवेज अब एक साथ तो नहीं ना मैं खेल सकता। एनीवेज स्मैश हिट तो इधर ऑब्वियसली 830S। इसके बाद चलते हैं जी कैंडी क्रश स्वागत की तरफ। कैंडी क्रश सो 830S यस 830S इज विनर पिन आउट। इधर 830S सी विनर है लेकिन आपको Realme C11 भी काफ़ी अच्छी जो स्पीड परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इधर एट दी एंड ऐप रिफ्रेश रेट चेक कर लेते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा ऐप रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करने वाला है। इधर अकॉर्डिंग टू मी जो विनर होगा वो 830S होगा। तो लेट्स सी इधर पिन आउट। Oh, both are same. This is good and strange for me. Either 830S. No doubt. So, end से start कर लेते हैं। इधर थोड़ी सी confusion हो जाएगी। Phone dialer and 830S. Camera. 830S. Clock and 830S. सेटिंग 830S। रियलमी C11 इतना तो बनता है यार। 830S की 4GB रैम है जबकि C11 की 2GB रैम है। तो इधर भैया जो मामला है वो सही जा रहा है, एवरेज में जा रहा है, यानी कि जो मेरिट पे है मेरिट पे जा रहा है। दिस इज गुड यस बेहतरीन। एंड यूट्यूब भैया इधर ऑब्वियसली 830S इज़ विनर। तो अभी गेमिंग की तरफ चलते हैं। गेमिंग मैंने एक दो गेम ओपन कर ली थी आई थिंक। तो इधर सबवे सफर पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर आपको भैया जो सैमसंग है किंग ऑफ मिड रेंज फ्लैगशिप डिवाइसेस। यस मिड रेंज नॉट फ्लैगशिप, क्योंकि इधर जो आईफोन है जो वन प्लस है वो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जो भी है सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही यूनिक और सबसे अच्छा है, स्मूथ है और काफ़ी मज़ेदार है। तो इधर पिन आउट। एंड तो जी ये था जी आज का स्पीड टेस्ट। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लग रहा है। अगर आपका बजट लो है तो आप C11 बाय कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल यूजेज है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर सकता है। एनीवेज तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर।